सो गाइस ये दाल मखनी प्रिपेयर हो रही है मेन कोर्स के लिए। एक महान गुरु कह गए हैं कि कार्ब्स नहीं खाएं, हाँ सिर्फ प्रोटीन एंड फैट खाएं और मस्त हो जाएं। लेकिन सच्चाई ये है कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं। What's up guys, welcome back to the channel। एंड भाई आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज ये बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो थी एंड मैंने सोचा आज फाइनली ये वीडियो कर लेते हैं। तो ये वीडियो होगी, बाद में बताते हैं, पहले मिला तो दे किसके साथ जा रहे हैं। और अगर गाइज इफ यू नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल सब्सक्राइब कर लो बिकॉज उससे तुम्हें नोटिफिकेशन मिलती जाएगी। तो अब हमारे साथ आ गए हैं। हाय गाइज, कैसे हैं आप सब? मैं आपका अपना अमित पंघाल आपके पंघाल फिटनेस पे। तो आज बड़ी ग्रैंड, इनकी तो चीट मील होने वाली है, पर ये चीट मील बोलते हैं बड़े खाते नहीं है, पर आज खिलाने की कोशिश करेंगे पूरा। बाकी हम तो खाएंगे भाई, नॉनवेज खाएंगे और दिखाएंगे। भैया जी आज वेजिटेरियन बताएंगे, खाएंगे और वेजिटेरियन के बारे में बताएंगे। चले फिर, चले चलते हैं, लेट्स गो। व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक। और भाई हम लोग पहुंच गए हैं इंडियन ग्रिल रूम एंड मैं तुम्हें सीटिंग दिखाता हूं। सीटिंग काफी अच्छी है, ये आउटडोर सीटिंग है जो अभी आई थिंक क्लोज्ड है बिकॉज आफ्टरनून टाइम है। सो दिस इज क्वाइट ह्यूज एंड बस अब भाई भूख लग रही है, सुबह आई वेंट फॉर अ शूट एंड अभी अंदर जाके बस खाना खाते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। पहले स्टार्टर्स दिखाएंगे कि स्टार्टर्स में क्या क्या ऑप्शंस है एंड ओवरऑल कॉस्ट अगर सारी लास्ट में बताऊंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। तो लेट्स गो इनसाइड एंड एंजॉय। सो दिस इज द इंटीरियर, यहाँ पे दे हैव अ बार, दिस इज द फ्रंट एरिया एंड देन यहाँ पे पूरा सिटिंग एरिया है, वहाँ पे पूरा मेन कोर्स है आई थिंक, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। एंड पीछे पूरा तंदूर काउंटर है, वो भी एक बार दिखाते हैं, पहले मेन्यू दिखाते हैं। तो भाई अभी ऑर्डर करने का टाइम आ गया है एंड एक बार तुम्हें पूरा बता देता हूँ। यहाँ पे जो ग्रिल्स हैं वो वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन ऑप्शन दोनों है एंड वेजिटेरियन में दिखा देता हूँ क्या क्या है। तो नॉन वेज में है गोश्त, गलावत, पपरिका ग्रिल चिकन, मुर्ग पुदीना शेक, मुर्ग टिक्का काली मिर्च, लेमन गार्लिक ग्रिल फिश, पांच पुरान झींगा। एंड वेज में है सब्जी गलावत, पनीर टिक्का जवैनी, कॉर्न एंड चीज़ रोल, सोया अचारी टिक्का, आतिशी मशरूम टिक्का, नवरत्न शीख कबाब, दही कबाब एंड तंदूरी। और ब्रेड्स में पांच वैरायटीज़ है, सैलड्स है, सूप है एंड ये मेन कोर्स है। मेन कोर्स जो मेन कोर्स है वो बाद में दिखाऊंगा बिकॉज वहाँ डिस्प्लेड है, तो वहाँ जाके ही तुम्हें एग्जैक्टली दिखाएंगे कि क्या क्या है। अभी स्टार्टर्स ऑर्डर करते हैं। सो गाइस दिस चिकन टिक्का विच इज़ गोइंग इन द तंदूर। तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ स्टार्टर्स सारे कैसे प्रिपेयर हो रहे हैं। एंड देन ये है प्रॉन्स, ये सारा वेजिटेरियन लगा हुआ है विच इज़ पाइनएप्पल, देन मशरूम एंड देन वी हैव पनीर। एंड भाई साथ में है गलौटी कबाब विच लुक्स रियली रियली अमेजिंग, मतलब इतना टेस्टी लग रहा है। एंड देन यहाँ पे शेफ ग्रिल्ड फिश प्रिपेयर कर रहे हैं। एंड वो क्या शेफ? ग्रिल्ड चिकन एंड दैट इज ग्रिल्ड चिकन। एंड ये गलौटी के लिए उल्टा तवे का पराठा बन रहा है। सो गाइस ये दाल मखनी प्रिपेयर हो रही है मेन कोर्स के लिए। प्रॉन ऑनियन गुलिस्ता, गुलिस्ता ऑनियन, नेचुरल ब्राउन नेचुरल। थैंक यू। पूरी चीज है, करनी छोड़ेगा कुछ भी, ये अपने लायक है, ये अच्छा है, स्वीट शॉट मिक्स। हां सो गाइस कॉकटेल आ गई है, दिस इज फ्रोजन आम पन्ना एंड इसमें क्या क्या है? आम पन्ना सिर्फ
जीरा क्यूमन पाउडर ब्लैक सॉल्ट लेमन जूस एंड क्रस्ड आइस एंड सेकेंड ड्रिंक है माउंटेन नेक्टर एंड इसमें क्या क्या है सर वोडका बेस है सैफ्रॉन सिरप सिनेमन सिरप ब्लूबेरी सिरप एंड ऑन द रॉक्स स्टेरिल और थैंक यू सर गाइस पहले आम पन्ना टेस्ट करेंगे और आपको बताते हैं कैसी है काफ़ी लाइट है चटपटा सा टेस्ट आ रहा है बिकॉज आम पन्ना है अभी जो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग ड्रिंक है विच इज माउंटेन नेक्टर ये टेस्ट करते हैं ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है बट दिस नाइस अच्छा है कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा आ रहा है बट ये ज़्यादा अच्छा लगा तो ये ज़रूर ट्राई करना फ्रोजन आम पन्ना ये गोश्त मिलावट है पंचपुरन झींगा प्रॉन मुर्गी टिक्का काली मिर्च ये हो गया लेमन गार्लिक ग्रिल फिश सो गाइज ये वेज प्लेटर आ गया है एंड वेज प्लेटर में है क्या क्या है ये सब्जी बिलावट ओके दही के कबाब ये चीज कॉर्न रोल ये पनीर अजवानी टिक्का सोया अचारी टिक्का और ये तंदूरी पाइन एप्पल आतिशी मशरूम टिक्का थैंक यू इधर जी कैसा लगा एक नंबर भाई एक नंबर कई कई महीनों बाद चटपटा खाएंगे तो अच्छा अपने आप ही लगेगा लेकिन एक बात कहना चाहूँगा जो भी नॉन वेज है उनका फ़ायदा है नॉन वेज भी खाते हैं और वेज वाले का भी उठा लेते हैं इसकी प्लेट देखो एक बार ये सही है ना भाई अभी स्टार्टर्स टेस्ट करेंगे पहले स्टार्ट करेंगे गलौटी से थोड़ा सा मतलब मुँह में पिघल गया इतना टेस्टी है अब स्टार्टर्स ख़त्म करने के बाद मिलते हैं सो गाइस स्टार्टर्स हो गए ख़त्म एंड ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था एंड मेरा फेवरेट वाज द गोश्त के कबाब विच वाज अमेजिंग एंड लिटरली वेरी सॉफ्ट मैंने राजेंद्र ढाबा के खाए हुए कबाब बट देन दिस वाज डिफरेंट एंड अगेन बहुत सॉफ्ट थे मुँह में एकदम मेल्ट हो रहे थे एंड साथ में फ़िश भी काफ़ी टेस्टी थी हाँ तो मेरे टू फेवरेट थे फ़िश एंड गलौटी कबाब तो ज़रूर ट्राई करना अभी मेन कोर्स चलते हैं पहले आप लोगों को दिखाते हैं क्या है मेन कोर्स में खाना डाल रहा है तो ये तो ऑलरेडी डाल रहे हैं अपने लिए वेजिटेरियन पनीर तो होना ही है और साथ में एक है मलाई कोफ्ता ये सारा पनीर जाता का है यही जाता सीधा तो गाइस ये मेन कोर्स है यहाँ पे है फिश कैंटनीज दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को एंड देन साथ में है चिकन कांती तो शेफ से पूछते हैं इसके बारे में हाँ जी शेफ क्या है इसमें ये क्या चीज़ है सर ये चिकन कांती है कश्मीरी स्टाइल ये सिर्फ स्पेशल है ये हमारे चिकन कांती बहुत ही अच्छी है कश्मीर की स्पेशलिटी है कश्मीर की स्पेशलिटी है सर तो ये रेगुलर बनती है और काफ़ी लोगों को पसंद आती है काफ़ी लोगों को पसंद आती है हमारे हेल्थ मेन्यू में चेंज होता है ज़्यादातर हम इसी को लाते हैं और काफ़ी लोगों को बहुत पसंद आती है बहुत चॉइस करते हैं लोग ये ग्रिल्ड चिकन है इसमें फ्राइड चिकन ये फ्राइड चिकन है सर फ्राइड सारा तवा पर है गाइस ये है हमारा फेवरेट सबका फेवरेट बटर चिकन एंड देन मटन बेली राम ये आई थिंक ये मेरा फेवरेट होने वाला है बिकॉज आजकल मुझे मटन काफ़ी पसंद आ रहा है एंड देन इसमें है मुर्ग टंगड़ी बिरयानी मुर्ग टंगड़ी बिरयानी दिखाते हैं आप लोगों को ये कितनी देर तक कुक करी गई है शेफ बिरयानी ये यहाँ पे दम लगती रहती है दम लगती रहती है पूरा दिन पर अप्रॉक्सीमेटली कितने घंटे तक एक घंटे में दम लगता उसके बाद जब तक बुफे ख़त्म नहीं होगा तब तक ऑन रहेगा गाइस जैसे आप देख सकते हो गैस ऑन है और ये दम लगता रहता है तो अब आपको वेजिटेरियन काउंटर दिखाते हैं वेजिटेरियन में ऑप्शन है लज़ानिया इस पर मैं करछी मार नहीं सकता बिकॉज ख़राब हो जाएगा बट देन वेज लज़ानिया देन साथ में है वेज मंचूरियन एंड
एंड देन साथ में है नूडल्स, दाल मखनी, एंड देन अंगूरी कोफ्ता। इसकी स्मेल काफ़ी अच्छी लग रही है। एंड देन है पनीर गरम मसाला, जो आपने अमित भैया की प्लेट में देखा होगा। एंड लास्ट में है वेज कीमा बिरयानी। एंड देन ऑफ कोर्स यहाँ पे सैलड्स के भी ऑप्शंस है, चिकन सैलड हो गया, देन स्प्राउट सैलड, लेटस सैलड, और यहाँ पे पापड़ी चाट भी है। तो गाइस साथ में लच्छा पराठा ऑर्डर करा, बिकॉज इसके बिना तो फिर फ़ायदा क्या खाना है। साथ में है ये मटन, टेस्ट करते हैं पहले, सॉफ्टनेस चेक करते हैं मटन की। गाइस अभी मटन टेस्ट करने वाले हैं, काफ़ी सॉफ्ट है, एकदम से मेल्ट हो गया। मतलब अगर चीट मील कर रहे हो तो बाहर आके खा रहे हो तो भाई लच्छा पराठे के बिना मज़ा ही नहीं है। अभी टमनी टेस्ट करते हैं। अगर यहाँ पे मीट काफ़ी सॉफ्ट है, मीट चिकन मटन। तो गाइज ये है डेजर्ट काउंटर, यहाँ पे है फ्रेश फ्रूट्स, एंड देन साथ में है आइसक्रीम जो है पान एंड वेलेना, एंड देन है मूंग दाल हलवा जो यार मतलब देसी घी, एंड देन ये मेरा फेवरेट है चॉकलेट ब्राउनी, इसमें काफ़ी सारी चॉकलेट के ऊपर ब्राउनी तैर रही है, एंड देन ये है चीना पाई। तो ये रसमलाई जैसे कुछ होता है चीना पाई, एंड देन खोया खीर जिसमें काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट्स डले ऊपर। तो लेट्स सी टेस्ट कैसा होता है। देखो कह रहे हैं मैं ज़्यादा नहीं खाऊंगा, ज़्यादा मैं ज़्यादा नहीं खाऊंगा क्योंकि फिट भी रहना है ना इसलिए। और वो गाइस कार्ब्स नहीं खाने आपको, आपको सिर्फ प्रोटीन खाना है। ये किसी को पॉइंट नहीं हो, कोई समझे तो समझे भाई, लेकिन कार्ब्स खाने आपको। बट अभी सारा खत्म करोगे ही नहीं? खत्म करो, मैं तो खत्म करूँगा, मैं तो और भी कर दूंगा खत्म। हम तो तुझे पता है ना बंदे हैं। इसी के साथ ख़त्म होता है आज का व्लॉग। खाना का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, मेरा फेवरेट मैंने स्टार्टर में बता दिया। मेन कोर्स में बिरयानी फेवरेट थी, और दूसरा मटन जो था वो काफ़ी टेस्टी था, काफ़ी सॉफ्ट था। एंड डेजर्ट में भाई पान आइसक्रीम वेरी नाइस। हाँ जी, आपको कैसा लगा? जिस एनर्जी के साथ पहले सुबह उठता, सच बोलूँ या दिल रखूँ? पहले बात सच बोलूँ, खाना बहुत अच्छा है नो डाउट, लेकिन जो सबसे बेस्ट है वो घर का है। और कभी कभी चीट मिल करें तो खा लें आप, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे अच्छा जो बेस्ट है वो घर का। इधर से मेरा फेवरेट है पनीर भाई, जो इनका पनीर है ना इतना सॉफ्ट, पता नहीं क्या बनाते हैं, कहीं से लाते हैं। मतलब पनीर तो मैं रोज़ ही खाता हूँ, लेकिन इतना सॉफ्ट पनीर, मतलब रखा और पिघल गया। बहुत अच्छी इनकी जो सब्ज़ी है पनीर की। गाइस अब एक हेल्दी बंदे से भी रिव्यू मिल गया, हम अनहेल्दी नहीं है बट देट ठीक है, उनसे हमारा कोई कंपैरिजन नहीं इस मामले में। खाने में तो हम ज़्यादा खा सकते हैं, बट देन कार्ब्स नहीं खाने, प्रोटीन और फैट पे ज़िंदगी निकाल सो अगर बस की नहीं है तो, नहीं तो कार्ब्स तो भाई हम तो खाते हैं। एक महान गुरु कह गए हैं कि कार्ब्स नहीं खाने, हाँ सिर्फ प्रोटीन एंड फैट खाएं और मस्त हो जाएं। लेकिन सच्चाई ये है कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं भाई, पैसे नहीं है तो कार्ब्स खाने पड़ेंगे, और प्रोटीन का जुगाड़ तो कभी कभी हो जाता है, नहीं तो कार्ब्स पे जिंदा है। तो गाइस इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं यहाँ एंड। अब बस थोड़ी देर घर जाके सोएंगे, उसके शाम को जिम जाना है, बिकॉज भाई इतनी खाया है थोड़ा बर्न तो करना पड़ेगा। कॉस्ट इसकी थी 799, अगर आप लंच के टाइम आते हो संडे, और डिनर कॉस्ट अराउंड 999 के आसपास है, तो आप देख सकते हो अपने हिसाब से। सो आई होप यू गाइस लाइक द वीडियो, इफ यू डिड डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन ऑन, उससे तुम्हें पता चल जाएगा नेक्स्ट व्लॉग गोज लाइव। और भाई पंगाल फिटनेस को भी सब्सक्राइब कर लो, जिन एक दो लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा होगा, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब की धूम मचा दें। मतलब चलते फिरते का फोन, भाई फोन देना, फोन लेके एक मिनट सब्सक्राइब करें, फिर वापस दे दो, लो भाई अपना फोन।